सेवंथ हाउस शुक्र, शुक्र मतलब शुक्र जैसी इंपैक्ट, शुक्र का क्या इंपैक्ट होगा? अट्रैक्शन, मॉनेटरी सर, अट्रैक्शन, मॉनेटरी गेन्स, सबसे पहले जीवन लग्जरी, साथी विवाह, सबसे पहले जीवन साथी विवाह, सबसे पहले दैनिक व्यवसाय, डेली में डेली डेली मर्रा की इनकम, रोजमर्रा की इनकम, पार्टनरशिप, स्वास्थ्य, हेल्थ, जेनेटिकल डिजीज, जनेन्द्रिया भी बोलते हैं, फॉरेन फॉरेन इंपैक्ट मतलब विदेश का प्रभाव, फॉरेन इंपैक्ट, आकर्षण, जो बाकी सूर्य शुक्र के बहुत सारे एट्रीब्यूट वो सब आएंगे यहाँ पे। अब अनर्न अनर्न मनी यानी कि, या फिर रिकवरी ऑफ लॉस्ट मनी, रिकवरी ऑफ लॉस्ट मनी, लॉस्ट रिकग्निशन, लॉस्ट सोशल इमेज, लॉस्ट लाइक मान सम्मान, प्रतिष्ठा, इसमें एक सेंटेंस लिखेंगे यहाँ पे। अगर इस भाव में सूर्य मंगल या गुरु का अंक आ जाए तो दूसरी संतान पुत्र होने की संभावना बढ़ जाती है। सर रिपीट कर दीजिए। इस भाव में अगर सूर्य मंगल और गुरु का अंक आ जाए तो दूसरी संतान पुत्र होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अच्छा, इसी तरीके से ना एक दूसरे भाव में भी लिखना, एक सेंटेंस दूसरे भाव में भी, एक सेंटेंस लिखना, दूसरे भाव में अगर सूर्य गुरु या मंगल का अंक आ जाए तो पहले पहली संतान पुत्र होने की संभावना ज्यादा होगी। दूसरे भाव में कह रहा हूं मैं, दूसरा भाव यानी कि सर जिसका जिसका कारक गुरु था, दूसरा भाव यानी जिसका कारक गुरु था, वहां पे अगर सूर्य सूर्य गुरु और मंगल का अंक आ जाए, सूर्य गुरु और मंगल का अंक आ जाए यानी कि 1 3 9 आ जाए तो पहली संतान पुत्र होने की संभावना ज्यादा होगी। अगर यहाँ पे दो चंद्रमा बुध शुक्र शनि का अंक आ जाए, चंद्रमा 2 बुध 5 शुक्र 6 शनि 8 इनका अंक आ जाए तो पहली संतान पुत्री होने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक है जी, यही रूल सेम रूल यहाँ पे सातवें भाव में अप्लाई सर, होता है। वो पुत्री कौन से भाव में होगी सर, आप बोले? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, एक एक सेंटेंस है जो दूसरा और सातवें दोनों भाव को रिप्रेजेंट करता है। एक सेंटेंस है जो दूसरे और सातवें दोनों को रिप्रेजेंट करता है। मैं सेंटेंस रिपीट कर रहा हूँ। सेंटेंस ये है, अगर दूसरे और सातवें भाव के अंदर अंक गुरु सूर्य मंगल 1 3 9 आ जाता है तो पुत्र होने की संभावना ज्यादा होगी। तो पहला संतान 2 नंबर हाउस से देखते हैं, दूसरा संतान 7 नंबर हाउस से देखते हैं। पहला संतान 2 नंबर से देखेंगे, दूसरा संतान 7 नंबर से देखेंगे। तो पहले में अगर 2 नंबर के अंदर 1 3 9 आता है तो पुत्र होने की पहली संतान की संभावना ज्यादा होगी। अगर चंद्रमा बुध शुक्र शनि 2 5 6 8 आ जाता है तो पहली संतान पुत्री होने की संभावना ज्यादा होगी। ठीक कौन से भाव है, में? लेकिन दूसरे भाव में हाँ, दूसरे भाव में कौन सा नंबर? 2 5 6 8 2 5 6 8 चंद्र। अगर आ जाता है तो पुत्री होने की संभावना ज्यादा होगी। इसी प्रकार से सातवें हाउस के अंदर 1 3 9 आ जाता है, सातवें हाउस के अंदर अगर 1 3 9 आ जाता है, सर पुत्री के लिए चंद्रमा बुध शनि और चौथा कौन सा? चंद्रमा बुध शनि शुक्र। ओके सर, इसी प्रकार से सेवंथ हाउस के अंदर 1 3 9 आ जाता है तो दूसरी संतान पुत्र होने की संभावना ज्यादा होगी।
इसी प्रकार से सातवें हाउस के अंदर चंद्रमा बुध शनि शुक्र आ जाते हैं तो दूसरी संतान पुत्री होने की संभावना ज्यादा होगी। कौन से? चंद्रमा बुध और शनि चंद्रमा बुध शनि शुक्र। शुक्र। इसी प्रकार से इन भावों में अगर राहु का अंक आ जाए तो क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इंग्लिश में क्या बोलते हैं आप बता मिसकैरेज, देना। इनफर्टिलिटी, नहीं, गर्भपात, मिसकैरेज, मिसकैरेज, मिसकैरेज इसकी पॉसिबिलिटीज ज्यादा होंगी। सर किसमें? सातवें भाव में क्या? दूसरे और सातवें दोनों में बता रहा हूं मैं। सर एक बार प्लीज रिपीट कर देंगे मिसकैरेज वाला सेंटेंस? अगर दूसरे और सातवें भाव में चार नंबर आ जाता है, राहु आ जाता है, तो मिस कैरिज की पॉसिबिलिटीज को बढ़ाता है। ठीक है, अगर इसी तरीके से एक एक और नौ आ जाता है तो संबंध में तनाव क्रिएट करता है, संबंधों में तनाव क्रिएट करेगा। एक और नौ आ जाता है यानी कि सूर्य और मंगल आ जाता है तो संबंध में तनाव क्रिएट करेगा। सर कौन से में? यही दो सात भाव में। दो और सात में, दो और सात के मैं कॉमन रूल लिखवा रहा हूं। ये इसी तरीके से एक और नौ आ जाता है तो संबंध में तनाव, संबंध विच्छेद की संभावनाओं को बढ़ा देगा। किसके साथ संबंध खराब हो जाएंगे सर? पार्टनर के साथ और किसके साथ होंगे सर? यहाँ क्योंकि यहाँ तो हस्बैंड बच्चे से, वाइफ, बच्चे से रिलेटेड बात हो रही है तो यहाँ तो बच्चा बच्चे मतलब कपल। कपल। ओके सर। शुक्र के जो शत्रु है वो है सूर्य चंद्रमा। शुक्र के शत्रु हैं सूर्य चंद्रमा, शुक्र के शत्रु माने जाते हैं। और मंगल शुक्र, गुरु मंगल शुक्र, गुरु मंगल शुक्र के न्यूट्रल माने जाते हैं, सम सब माने जाते हैं। बच गया बुध शनि राहु केतु, शुक्र के मित्र माने जाते हैं। राहु केतु बुध शनि शुक्र के मित्र माने जाते हैं, सूर्य चंद्रमा शुक्र के अनिमी माने जाते हैं, और गुरु मंगल शुक्र के सब माने जाते हैं, सब माने जाते हैं। तो